आज देश में आरएसएस की बीजेपी की सरकार है। और इनकी आइडियोलॉजी जो है, इनकी जो विचारधारा है और हमारी जो विचारधारा है, अलग विचारधारा है। या एक विचारधारा देश पर राज करेगी या दूसरी विचारधारा देश पर राज करेगी। और कांग्रेस का कार्यकर्ता होते मैं यह बात समझता हूं कि मैं बाकी विचारधाराओं के साथ कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, मगर मैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। कांग्रेस की विचारधारा गांधी जी की विचारधारा में और गोडसे की विचारधारा, सावरकर की विचारधारा में क्या फर्क है, यह हम सब के लिए एक जरूरी सवाल है और गहरा सवाल है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो हिंदू पार्टी है, कि बीजेपी के आरएसएस के लोग हिंदू पार्टी। तो अगर पिछले 200 साल में किसी एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म को समझा हो और हिंदू धर्म को अपनी प्रैक्टिस बनाई हो, तो उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। इसको हम भी मानते हैं और इसको आरएसएस के लोग भी मानते हैं, बीजेपी के लोग भी मानते हैं। तो अगर महात्मा गांधी ने हिंदू धर्म को समझा और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू धर्म को समझने में लगा दी, तो आरएसएस के विचारधारा ने उस हिंदू के छाती में 3 गोली क्यों मारी? जिसको पूरी दुनिया एक उदाहरण मानती है, मंडेला से लेकर मार्टिन लूथर किंग कहते हैं हां, महात्मा गांधी एक उदाहरण थे और महात्मा गांधी ने अहिंसा को सबसे अच्छे तरीके से समझा और सिखाया, और अहिंसा हिंदू धर्म का फाउंडेशन है। तो फिर आरएसएस की विचारधारा, सावरकर की विचारधारा, गोडसे ने उस व्यक्ति के छाती के अंदर 3 गोली क्यों मारी? यह बहुत गहरा सवाल है, कॉन्ट्रडिक्शन। इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। दूसरी बात, दिवाली का समय है, लक्ष्मी जी की मूर्ति आपने देखी है? नहीं, जोर से बोलो, देखी है। अच्छा, मुझे बताइए लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी माता जो होती है वो क्या है? आप सब उनकी पूजा करते हो, ये है क्या? हां, एक एक करके
एक एक महिला बोले, आप बोलिए, एक एक महिला, नहीं नारी शक्ति नहीं है। मैं बताता हूं आपको, मैं समझा देता हूं, नहीं नहीं। जम्मू में मैंने यह सवाल पूछा, किसी ने कहा, यह कहा कि लक्ष्मी वो शक्ति है जो घर में पैसा लाती है। गलत इंटरप्रिटेशन। लक्ष्मी शब्द लक्ष्य से आता है, लक्ष्य को जो शक्ति पूरा करती है। आपके दिल में कोई भी लक्ष्य हो, कोई पैसा बनाना चाहता है, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, कोई राजनेता बनना चाहता है, उसके दिल में जो भी लक्ष्य होता है उसको जो शक्ति पूरा करती है उसे हम लक्ष्मी कहते हैं। अगर किसी का लक्ष्य पैसे बनाने का है और वो लक्ष्य पूरा हुआ तो लक्ष्मी ने काम कर दिया, सही। अच्छा, दूसरा सवाल, दुर्गा नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है? दुर्गा का क्या मतलब? अच्छा, एक बात बताता हूं, ये सब मीडिया वाले हैं ना, ये भाषण टेलीविजन पे नहीं डालेंगे, ये डाल ही नहीं सकते, ये भाषण टीवी पर नहीं जा सकता। हम इनको दोस्त कहते हैं मगर ये दोस्त है उनके। तो ये दुर्गा क्या है? दुर्गा शक्ति है, मगर किस चीज की शक्ति? देखिए, ये हमारा धर्म जो है बड़ा लॉजिकल है। दुर्गा शब्द आता है दुर्ग से, दुर्ग का मतलब किला, दुर्गा मतलब वो शक्ति जो रक्षा करती है। जो शक्ति लक्ष्य पूरा करती है उसे हम लक्ष्मी कहते हैं। जो शक्ति रक्षा देती है, रक्षा करती है, उसे हम दुर्गा कहते हैं, सही, क्लियर। अब देखिए, राजनेता का काम दुर्गा और लक्ष्मी को, इन शक्तियों को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का होता है। बिना भेदभाव के हर व्यक्ति के घर में दुर्गा मतलब रक्षा, लक्ष्मी मतलब लक्ष्य पूरे करने की शक्ति डालने का काम हर राजनेता का होता है। मैंने कुछ गलत बोला? अभी तक लाइन में है? ठीक ठीक पटरी पे चल रही है गाड़ी? अब सवाल पूछता हूं, जब मोदी जी ने नोटबंदी की तो उन्होंने हमारी माताओं बहनों के घर से, के घर में लक्ष्मी शक्ति बढ़ाई या कम की? कम की ना। जब ये नरेंद्र मोदी जी ने किसानों पर 3 कानून लागू किए, इनसे लक्ष्य पूरे करने वाली शक्ति उन्होंने छीनी या उनको दी? छीनी। जब जीएसटी लागू किया, छोटे दुकानदारों के घर में उन्होंने लक्ष्मी और दुर्गा डाली या निकाली? और जब कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा लागू किया तो हमने करोड़ों घर में लक्ष्मी की शक्ति डाली या निकाली? जब हमने आरटीआई लागू किया, हमने करोड़ों लोगों के हाथों में दुर्गा की शक्ति डाली, हां या नहीं? जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन देश को दिया, वन मैन वन वोट दिया,
हमने दुर्गा की शक्ति बढ़ाई या कम की, लक्ष्मी की शक्ति ज्यादा की या कम की, तो यह हो क्या रहा है? वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। बात समझ आई? क्लियर थी? ये राहुल गांधी ना तो अब्बा जान है ना चच्चा जान है, ये देश के सबसे बड़े डब्बा जान है। डब्बा जान इतने बड़े, मतलब क्या है इतने बड़े डब्बा जान? कोई बुद्धि है कि नहीं इस बालक में? किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग? आप बताइए, ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी की हत्या कर दी हमने, दुर्गा जी की हत्या हो गई। अगले पिछले हफ्ते ये बोल रहे थे कि देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती की जो शक्तियां हैं वो क्षीण हो गई। ये क्या मजाक बना के रखा है डब्बा जान ने? मैं बताता हूं, अगर क्षीण हुई है किसी माता की शक्ति तो वो केवल और केवल सोनिया माता की शक्ति ही क्षीण हुई है, केवल और केवल गांधी परिवार की ही शक्तियां क्षीण हुई है।